बोल बिहार किसकी सरकार। अभी हम मौजूद हैं सिंहेश्वर विधानसभा के रानीपट्टी चौक पर। कुछ दूर यहाँ से सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक जी का घर पड़ता है और यहाँ के मंत्री भी हैं। क्या विकास किया है, 15 साल से विधायक है और वर्तमान में मंत्री भी है। नीतीश काल में क्या विकास हुआ है, आइए आम जनता से जानते हैं कौन बनेगा सरकार और कौन होंगे कुर्सी के हकदार। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताएं क्या विकास हुआ है। विकास तो यहाँ देख रहे सबके सामने है विकास, ये तो आप देख ही रहे हैं विकास। 15 साल से विधायक है, 15 सालों में क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं देख रहा है, कोई काम ही नहीं देख रहे हैं कुछ। अगर फिर आएंगे वोट मांगने तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम तो जनता गरीब लोग हैं, वोट मांगने आएंगे। हम तो किसी को ना भी कह सकते, किसी को हाँ भी नहीं कह सकते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? सूर्य नारायण प्रधान। सूर्य नारायण चाचा, ये बताए कि क्या विकास हुआ है? कहते विकास की गंगा बह गई है। कुछ विकास नहीं है, वैसे चल रहा है, विकास नहीं है। क्या मूड है इस बार, क्या जनता की क्या मूड है? जनता का क्या मूड होगा, वो तो मत है अपना, जिधर देखेगा। लेकिन विकास नहीं हुआ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, ये बताए कि 15 सालों में क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ, अपना पेट पुराया है, जमीन लिया है, खरीद करके अपना जमा किया है, और क्या करेगा, कहीं नहीं हुआ है। 15 साल से यहाँ का जनता से पूछिए जो कोई विकास हुआ है। कहते हैं विकास की गंगा बहा दी गई है सिंहेश्वर विधानसभा में। कहाँ है, नदियों ने बहा, गंगा तो अलग जाए, नदियों ने बहा है। रोड की स्थिति का कारण जिम्मेदार कौन है? हम सिंहेश्वर से आ रहे थे, रास्ते में गड्ढा या यूँ कह लीजिए गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये पता नहीं चल रहा था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकारें न होगा, जो जीतेगा वही न होगा हैं। अभी जो विधानसभा जीत गया है वो कहाँ विकास कौन किया है, पूछिए जनता से पूछिए कोई विकास किया है। अगर इस बार विकास आप कहते हैं नहीं किए हैं, अगर इस बार आपके पास आएंगे वोट मांगने तो क्या जवाब रहेगा आप देंगे? हाँ देंगे, किसी को नहीं कहेंगे नहीं देंगे, वैसे मतलब कहेगा ये खफा हो जाएगा ना, सबको कहेंगे देंगे। सबको कहिएगा देंगे, जो आएगा सबको देंगे। लेकिन मूड क्या है इसमें? मूड जो होगा से करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में अभी मोदी जी को चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जो काम करने वाला उसी को देंगे। अखिलेश कुमार यादव। अखिलेश यादव जी, ये बताए कि क्या विकास हुआ है 15 सालों में? 15 साल से विधायक है यहाँ पे, क्या विकास हुआ? 15 साल से विधायक तो है, सब बहुत विकास तो हुआ है। रोड, नीतीश जी का सवाल है, वो सुशासन बाबू कहला रहे हैं ना, वो तो पेपर उसका सुशासन है, लेकिन धरातल पर तो आप देख ही रहे हैं। धरातल पे क्या है? आप खुद कहिए, सिंहेश्वर से जा रहे हैं कितना गड्ढा मिला या रोड मिला या गड्ढा, ये बताइए पहले। गड्ढा मिला। विद्यालय में खिचड़ी चला करके आज सुशासन बाबू क्या किया है? शिक्षा को 7 हाथ मिट्टी के नीचे कर दिया है ना। शिक्षा है बिहार में? नीतीश बाबू से मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षा कहाँ गया। आज 6वीं विद्यार्थी को पूछिए, ओनामासी का अर्थ नहीं बता रहे। मास्टर सब हर भाग को मास्टर बना दिए, पढ़े लिखे रोड पर घूम रहे हैं। जो लड़का भैंस चला रहे हैं विंटर में 5 डिवीजन ले रहे हैं, और जो लड़का विद्यालय में पढ़ रहे हैं वह फेल हो रहे हैं। ये बताइए, नीतीश जी का रिजिम ये सब हुआ है। पे घूसखोरी अफसरशाही यही बढ़ा है। अच्छा, फिर वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिए? वोट मांगने भैया, हम लोग आरजेडी हैं, आरजेडी ही रहेंगे सदा के लिए। हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, कहते थे 15 साल पहले जंगल राज था, वहाँ तो एक दो विरोधी कभी नहीं करेंगे जंगल राज। आज क्या नहीं हो रहा है, हिंसा, आज हत्या नहीं हो रहा है, आज रोड क्राइम नहीं हो रहा है। तेजस्वी की बात कहते हैं और लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव नमी फैल है, वो कैसे मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? तेजस्वी नमी फैल नहीं है, तेज प्रताप है नमी फैल। तेजस्वी नमी, कौन कहा कि तेजस्वी नमी? तेजस्वी कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे? कौन तेजस्वी? तेजस्वी मैट्रिक पास है, इंटर है, और कितने पढ़े लिखे हैं? संभाल लेंगे मुख्यमंत्री का पद? कैसे नहीं संभालेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रकीब। रकीब जी, विकास हुआ है? जी नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम तो नहीं जानते हैं, इतना नहीं जानते। चलिए, हाँ कहते हैं चाय की बात हो और मोदी जी का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाय की दुकान से ही प्रधानमंत्री बने हैं और कहते हैं चाय वाला ही प्रधानमंत्री है। तो ये बताइए इस बार चाय वाला किसे देखना चाहता है मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री सर जी जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। राजनीति में तो उतार चढ़ाव होते रहता है। विकास कौन किया है आपकी नज़र से? विकास कौन किया है? 15 साल लालू जी जो रहे उनके राज में नीतीश जी कहते कि जंगल राज थे, और मतलब लालू जी कहते कि नीतीश कुमार बर्बाद कर दिए। दोनों में तो आपस में लड़ाई हो ही रहा है। मतलब जो जन विकास करेगा उसको वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, ये 15 साल से विधायक है और बगल के ही है, पड़ोस में ही रहते हैं, रमेश ऋषिदेव, उन्होंने विकास किया है? विकास क्या किया? उनके गाँव के मतलब 100 मीटर दूरी जाके देखिए गांव में कितना गड्ढा है, सड़क में कितना गड्ढा पानी लगता है, कोई विकास नहीं हुआ। उनके गांव वाले से पूछे जा करके किनको वोट करेंगे। ये तो उन्हीं के गांव है, समझिए पड़ोस में ही है। मतलब जो विकास करेंगे उनको हम लोग। चलिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद यादव। अरविंद यादव जी, क्या विकास हुआ है? जो बोल दिया अखिलेश को वही रहेगा, हम लोग का वही रहेगा। विकास नहीं हुआ कुछ। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।